आप किसके हाउस में सर बताइए बोलिए भी चीज हो भाई साहब आप लोगों के बीच में हमारे भी कुछ भाई लोग आए हैं तो कैसा लगा आवाज आपको कैसे आपको किसकी आवाज सुना है कसम खा के कह रहा हूँ मैं जो भी हूँ आप लोग का प्यार आशीर्वाद है और मैं नमस्कार दोस्तों राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। बाहुबली धर्मेंद्र राजभर मुंबई मेट्रो में और उनके साथ मिमिक्री मैन दिनेश राजभर ने लोगों को एंटरटेनमेंट किया। जहां बाहुबली धर्मेंद्र राजभर ने सच नारियल तोड़ के लोगों को अचंभित किया, वहीं मिमिक्री मैन दिनेश राजभर जी ने अपनी कला से लोगों का मनोरंजन किया। तो आइए देखते यह वीडियो। दोस्तों आप लोगों ने बीच में देखा ये धर्मेंद्र राजभर जी है जो इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया था कम से कम 35 नारियल के रिकॉर्ड जो तोड़ने वाले थे लेकिन एक नारियल चुक गए लेकिन फिर भी मेहनत जारी है। अभी इनके जो आने वाले जो कार्यक्रम है जो बहुत से बड़े से कार्यक्रम है तो धर्मेंद्र जी दो शब्द बोल दीजिए। और हम लोग यहाँ पे जो मेट्रो में यहाँ पे सब पब्लिक है आप लोग दिखा सकते हैं। अच्छा हाँ सुना हूँ कि आप वही आप ही हो ना जो मिमिक्री करते हो आवाज निकालते हो। हाँ हाँ थोड़ा सा सुनाइए ना लता जी का आवाज सुनाइए ना प्लीज बहुत अच्छा लगेगा। लता जी का जी 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 मेरा दिल एक और आवाज निकाली एक बच्चे मैं ट्रेन की निकाली जो हाँ इसे मेट्रो के निकाल मेट्रो की चल रही है उसकी आवाज निकालना चाहता हूँ। मैं सबकी आवाज निकालू हाँ कैसा लगा आप लोगों को अच्छा लगा वो बच्चे के लिए मोर का आवाज सुनाइए ना प्लीज इस बच्चे के लिए आप किसके आवाज सुना सर बताइए बोलिए भी चीज हो भाई साहब आप लोगों के बीच में हमारे भी कुछ भाई लोग आए हैं तो कैसा लगा आवाज आपको कैसे आपको किसकी आवाज सुना है कसम खा के कह रहा हूँ मैं जो भी हूँ आप लोग का प्यार आशीर्वाद है और मैं सर आपका कौन सी आवाज सुना साहब जी तोड़ने वाला हूँ तो सर आप लोगों के बीच में जो भी मेरा टैलेंट जो है मैं आप लोगों के बीच में दिखाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ मैं बहुत तरह की आवाज़ निकलता हूँ। मैं पक्षी की आवाज़ निकालू पक्षी की आवाज़ जिसे स्पायरो की गौर होती है उसकी आवाज़ निकालता हूँ ठीक है सर बैग किसका है मेरा ही पकड़ो ना भाई कौवे का कौवे बैठ जाओ बैठ जाओ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है ये जब पैदा हुआ था कैसे रो रहा मालूम है। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत से तरह की आवाज़ में निकालता हूँ और जैसे कि गांव घर में जो औरतें जो होती हैं जो रोती हैं उनकी रोने की आवाज़ में निकालता हूँ कैसे रोती हैं ये और हिंदी दो बातें हैं ये तो हमारे गांव घर समाज में बातें हैं। तो दोस्तों आप लोग बीच में मेरा टैलेंट अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सफर में तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल का नाम भोला आर्टिस्ट।
अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।